आप सभी का नेचर्स लवर चैनल पर स्वागत है। आज मेरे कश्मीर ट्रिप का तीसरा दिन है। नाइट स्टे नगीन लेक के बोट हाउस में करने के बाद आज सुबह 9 बजे हम सभी पहलगाम के लिए निकल पड़े हैं। हम अभी पुलवामा के आसपास के इलाके में हैं। रास्ते में हम एप्पल गार्डन घूमते हुए पहलगाम को जाएंगे। हम अभी जिस रोड से गुजर रहे हैं ये इमरजेंसी लैंडिंग रनवे है। अब हम पहलगाम के इलाके में आ चुके हैं जहां हमें चारों तरफ सेब के बागीचे नज़र आ रहे हैं। यहां के हर बागीचे के साथ एक खासियत है कि हर जगह एप्पल जूस के स्टॉल लगे हुए हैं। हम सभी एप्पल जूस लेने के बाद अब पहलगाम के न्यू बस स्टैंड पे पहुंच चुके हैं जहां से हम पोनी हायर करके अपर पहलगाम आज हम लोगों के घूमने का प्रोग्राम है, जिसमें मुख्य रूप से वैली व्यू पॉइंट, फिर उसके आगे वाटरफॉल, फिर देवयान, फिर यहाँ का जो सबसे सुंदर जगह जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है बायसरन, वहाँ पे हम लोग करीब एक घंटे समय व्यतीत करेंगे। उसके बाद हम पहलगाम वैली होते हुए पुनः अपने होटल रायल्टन को वापस आएंगे। हम बड़ी मेहनत करने के बाद पोनी हायर कर लिए हैं क्योंकि यहाँ पे इतना रेट हाई बताया जाता है कि कुछ समझ ही नहीं पाएंगे कि हम पहलगाम घूमें या वापस चले जाएं। अतः आप जब यहाँ आएँ तो पोनी हायर करने के लिए काफ़ी मोल भाव कर लें, बार्गेनिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। हम गणेश बल विलेज होते हुए अब वैली व्यू पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वैली व्यू पॉइंट फोटो शूट करने के लिए बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे घोड़े के ऊपर बैठ के फोटो लेने का अपना एक अलग ही अंदाज है। ये देखिए हम साथ साथ हैं और किस अंदाज में फोटो ले रहे हैं, इसका अपना अलग ही मज़ा है। अब हम वाटरफॉल के लिए निकल लिए हैं। करीब यहाँ से आधे घंटे का और समय लगेगा। करीब 1.5 घंटे की पोनी राइड करने के बाद हम लोग को घोड़े से उतरने का मौका मिला और यहाँ पे वाटरफॉल के पास आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे मैगी पकौड़े, ब्रेड पकौड़े, चाय और कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि। हम लोग वाटरफॉल पे करीब 45 मिनट का समय स्पेंड किया। यहाँ पे हम लोग अलग अलग पोज में झरने पे फ़ोटो शूट कराए और यहाँ से फिर हम लोग देवयान के लिए निकल पड़े। देवयान एक हरे घास का मैदान जिसे बुग्याल भी बोलते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने अपना समय नहीं दिया क्योंकि हमारा पहलगाम पहुँचने में ही काफ़ी लेट हो चुका था और हम लोगों ने करीब 12 बजे के बाद ही अपनी लीडर वैली घूमने के लिए पोनी कर रखा था। सो हम लोगों ने देवयान में न उतर के अपना समय मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले बायसरन में ही व्यतीत करने के लिए आगे चल दिए। विंटर सीजन में पूरा अपर पहलगाम बर्फ से ढका रहता है, यहाँ तक कि पहलगाम का जो
मेन सिटी है वहाँ पे भी बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा पड़ जाती है। अतः जो विंटर का पीक पॉइंट होता है उस समय यहाँ आदमी कम ही आते हैं। यहाँ पे टूरिस्ट के आने का समय जो है होली के 15-20 दिन पहले से शुरू होता है और ये पूरे समर चलता रहता है। ये देखिए मेरे ग्रुप लीडर हैं, ये कुछ न कुछ नया करते रहते हैं। अब हम मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले बायसरन में हैं। वाकई बायसरन बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे आप किधर भी नज़र घुमा लीजिए, आपको बहुत ही मनमोहक छटा नज़र आएगी। चारों दिशाओं में ऊंची ऊंची बर्फ़ से लदी पहाड़ियाँ हैं और बीच में ये बहुत बड़ा बुग्याल, जहाँ पे आप कहीं भी खड़े होइए और एक फ़ोटो ले लीजिए, आपका फ़ोटो इतना शानदार आएगा कि फिर क्या कहने की। कश्मीर को यूं ही जन्नत नहीं कहा जाता, आप खुद ही देखिए कि हम कश्मीर के किसी भी क्षेत्र में जाके एक स्नैप लेते हैं और फिर उसको बार बार देखते हैं कि इस तरह का स्नैप कहीं और घूमने पे क्यों नहीं आता। यदि आप बॉलीवुड के 70-80 के दशक के गानों के शौकीन हैं तो आप इस बायसरन के ब्यूटीफुल ग्राउंड पे एक छोटा सा फिल्म गानों पे शूट करा सकते हैं। बायसरन में करीब हम लोगों ने 2-2.5 घंटे का समय व्यतीत किया। अब हम आगे पहलगाम वैली की तरफ बढ़ रहे हैं। बायसरन से चलने के बाद रास्ता काफ़ी जटिल था, घोड़े पे चलना काफ़ी मुश्किल था, तो हम लोगों ने पहलगाम वैली के लिए कोई भी फोटोशूट नहीं कर सके क्योंकि हम लोग घोड़े पर अपने को ही संभालते रहे। बार बार घोड़ा भी फंस जा रहा था गड्ढे में, तो हम लोगों ने इसके बाद वीडियो शूट करना बंद कर दिया था। बर्फ पिघलने के कारण रास्ते में काफ़ी कीचड़ हो गया था क्योंकि पुनी के आने जाने से भी जो मिट्टी वाले रास्ते थे वो काफ़ी ख़राब हो गए थे, चलना बड़ा मुश्किल हो रहा था घोड़ों को। हम लोग करीब 4-5 घंटे पौनी की सवारी करने के बाद अपने होटल की तरफ निकल लिए थे, किंतु हम लोग का पैर इतना थक गया था घोड़े पे बैठे बैठे कि हम लोग अपने
होटल रॉयल्टन से पहले ही लिडर नदी में अपने पैर डाल के बैठ लिए। यहाँ से पीर पंजाल माउंटेन बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। अगले वीडियो में हम पहलगाम एपिसोड सेकंड में आरो वैली, चंदनबारी एवं बेताब वैली सहित अवंतीपुरा लेकर चलेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।